देखिए बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और अपराध के ग्राफ ये बताते हैं। बिहटा की बात अगर करें तो बड़ी लूट को अंजाम अपराधियों ने दे दिया है। लगातार पिछले 4-5 दिनों से बिहटा में बड़ी जो आपराधिक घटनाएं हैं वो देखी जा सकती है और अब महिंद्रा फाइनेंस की दफ्तर में अपराधियों ने लूट को अंजाम दिया है। बता दें आपको कि 7 से 8 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने 8.5 लाख की जो लूट है वो महिंद्रा फाइनेंस के दफ्तर में की है। मौके पर जब पुलिस प्रशासन की टीम पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है, CCTV जो फुटेजेज है उसे खंगाले जा रहे हैं। दानापुर ASP ने ये स्पष्ट किया है कि 7 से 8 जो लोग थे वो पहुँचे, उनके पास जो हथियार था वो मौजूद था और इस दौरान जो कर्मी अंदर काम कर रहे थे उन्हें बंधक बनाया गया। एक जो ग्राहक महिंद्रा फाइनेंस पहुंचा था उसे भी बंधक बनाया गया और तकरीबन 10:30 बजे ये अपराधी महिंद्रा फाइनेंस पहुंचते हैं और 12 बजे इस लूट को अंजाम देकर वहां से निकल जाते हैं। निश्चित तौर पर बिहटा में पिछले कुछ दिनों से जो लगातार अपराध की घटनाएं हैं वो देखी जा सकती है। इससे पहले एक महिला से लूट की जो खबर थी वो निकलकर सामने आई थी। वहीं बात की जाए तो घर में घुसकर एक विधवा की जो हत्या है वो बिहटा थाना अंतर्गत कर दी जाती है। तो निश्चित तौर पर जो अपराधियों का मनोबल है वो बढ़ा है और अब बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए है कि कैसे इस क्राइम ग्राफ को कम किया जाए। जो आपराधिक घटनाएं बिहटा थाना अंतर्गत हो रही है उस पर नकेल कसी जाए। हम आपको सुनवाते हैं कि दानापुर ASP क्या कुछ कह रहे हैं। डोमनिया पुल स्थित महिंद्रा फाइनेंस में करीब 7 से 8 व्यक्ति घुसे हैं 10:30 बजे और बैंक एम्प्लॉयज जो करीब 4 थे, एक कस्टमर था, उनकी मदद से जिनके पास वॉल्ट की चीज थी और कैशियर से जितना अभी तक कर्मियों द्वारा बताया जा रहा है करीब 8.5 लाख रुपये इन अपराध कर्मियों द्वारा यहाँ से लेके ये लोग भागे। मौके पे FSL की टीम, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट ब्यूरो और CCTV कैमरा खंगालने के लिए टेक्निकल टीम्स लगी हुई है। जल्द इसमें कुछ अग्रतर कार्रवाई होगी। कितने की संख्या में अपराधी थे कुछ पता? 7 से 8 व्यक्ति इसमें अपराधी थे जो जिनके पास बताया जा रहा है कि सबके पास हथियार। कितने देर तक घटना को ये 10:30 बजे घुसे थे और 12 बजे इनने इन एम्प्लॉयज़ को यहाँ से छोड़ा तो करीब 1.5 घंटे के लिए। तो निश्चित तौर पर दानापुर ASP ने कहा है कि तमाम जो टीम है वो अब छानबीन करने में लगी है। डॉग स्क्वाड आ चुका है और CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। जो भी अपराधी होंगे उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा करो। जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।